दिल्ली विश्वविद्यालय की शतवार्षिक शताब्दी वर्ष की ये समापन समारोह है। आज की शुभ अवसर पे हमारी बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम की मान और मर्यादा को और बड़ा करती है। दिल्ली विश्वविद्यालय नाम से ही दिल्ली से जुड़ता है, ये दिल्ली का नहीं है, ये देश की विश्वविद्यालय है, देश के हर एक नागरिकों की विश्वविद्यालय है। मित्रों, ये विश्वविद्यालय आजादी का लड़ाई को देखा है। इस विश्वविद्यालय में शहीद भगत सिंह की निवास हुई है। चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ते लड़ते इस विश्वविद्यालय के परिसर में भी पैर रखे हैं। इस विश्वविद्यालय आज से ठीक 50 साल पहले, आजादी को तो 75 साल पूरा हो गया, अमृत महोत्सव हम मनाए, लेकिन 73-74 में जब भारत की संविधान पर संकट आई, कुछ दिनों के बाद इमरजेंसी लागू हुई, नागरिकों की मौलिक अधिकार को छीना गया, अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने आवाज उठाई। दिल्ली विश्वविद्यालय देश की दूसरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले 75-100 सालों में देश को अनेक वैज्ञानिक दिए, देश को अनेक पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर दिए, जन नेता दिए, अनेक उद्योग जगत की मूर्धन व्यक्तित्वों को दिए, अनेक कला साहित्य संस्कृति की प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिया, अनेक पत्रकार मित्रों को दिया, अनेक न्यायपालिका की बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कार से आगे बढ़े हैं। ऐसे सफलता के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की 100 साल पूरी हो रही है। जब 100 साल पूरी हो रही है, हम सबके सामने चुनौती और जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी दृष्टि के कारण, दूरदृष्टि के कारण 34 सालों के बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए भी 3 साल हो गया। मैं बधाई देता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय को, उन्होंने पिछले 3 साल में एक भी क्षण बर्बाद ना करते हुए एनईपी को लागू करने में पूरा जिम्मेवारी ली। आज दिल्ली विश्वविद्यालय पहली बार देश में अंतर्राष्ट्रीय क्यूएस रैंकिंग में एनईपी लागू होने के बाद 500 की ब्रैकेट में देश की 11 इंस्टीट्यूशन आए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय भी उसी में है। मैं आपको बधाई देता हूं। और एनआरएफ जो हमारी देश की निजस्व परिषद बनते जा रहा है, उसमें से तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक कॉलेज स्थायी रूप में 1, 2, 3, 4 करके बैठ गए हैं। आपको भी बधाई दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को।